को। नहीं यार मुझे नहीं दिख रही। थोड़ी सी दिखी, थोड़ी सी दिखी। एक काम करते हैं। नहीं हाँ नहीं हाँ। क्या लंबे बाल है यार। सच में मुझे भी देखना है। अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मुझे रास्ता मिल गया। क्या सही बाल है यार, लहरा रहे हैं नागिन जैसे। मतलब मेरे बाल। मुझे पता है तुम लोगों को क्या जानना है। आप लोगों को भी वही जानना है ना कि मेरे बाल इतने शाइनी और लंबे कैसे हुए। चलो मैं बताती हूँ। बताए स्टेप्स। तो ज्यादा कुछ स्टेप्स तो मैं फॉलो नहीं करती हूँ, स्टूडेंट हूँ, मैनेज नहीं हो पाता है ना। पर थोड़े बहुत तो स्टेप्स फॉलो करती हूँ। तो मेरी शुरुआत होती है सैटरडे से। सैटरडे से? सैटरडे को मेरी स्कूल की छुट्टी होती है ना। सैटरडे को तेरी भी तो छुट्टी होती है। तो एक काम करना, सैटरडे को सुबह उठना और सुबह उठते ही लगाना वाओ हेयर मास्क फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर। पर वाओ ही क्यों? अरे यार ये सल्फेट पैराबेन फ्री है यार। लेकिन ये हेयर मास्क वगैरह तो बहुत देर तक लगाना पड़ता है। पॉइंट है। अरे देख, जैसे तो अपनी बॉडी को साफ और अच्छा रखने के लिए बॉडी लोशन लगाती है ना उस पे, वैसे ही अपने बालों पे भी तुझे हेयर मास्क लगाना है लोशन की तरह। और वैसे भी ज्यादा टाइम थोड़ा लगाना है, एक महीने में 2 बार बस। मैं तो हेयर मास्क अपनी मम्मी से ही लगवा लेती हूँ, तू भी लगवा लियो। बस आधा घंटा लगा के छोड़ना है और उसके बाद पानी से धो लेना। अच्छा मतलब शैम्पू से? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पानी से, शैम्पू से नहीं, वरना हेयर मास्क की गुडनेस चली जाएगी ना। सत्य वचन बालिके। तो ये तो हुई सैटरडे मॉर्निंग की बात, खत्म। और अब आती है सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट इट्स पार्टी टाइम, पार्टी टाइम। नहीं नहीं नहीं, 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 कोई पार्टी नहीं है सैटरडे। नहीं नहीं, मम्मी तो नहीं सुन रही है, बच्चे भी स्कूल में हूँ मैं, स्कूल में। तो फिर क्या करती है? ऑयलिंग। अच्छा वो ऑयलिंग, हम सोचे ऐसा भी कोई ऑयल नहीं। मैं लगाती हूँ वाओ का अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल। तुझे पता है इसमें भर भर के कलौंजी होती है जो हमारी बालों की जड़ों में जाके हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग करती है, खुद ही देख ले। अरे ऐसे तो तेरे लंबे बाल पूरी बॉटल कटक जाते होंगे। पागल है क्या, ये करने बैठी ना तो हो गया काम। ये हेयर ऑयल सिर्फ जड़ों में लगाया जाता है और सबसे अच्छी बात, एक बोतल 4-5 महीने आराम से चल जाती है। मतलब तू सच में बाल नहीं धोती? अरे ढक्कन, ऐसे हो सकता है क्या कि मैं बाल ना धो? मैं अगले दिन संडे को बाल धो रही थी। और पता है मेरी मम्मा बता रही थी कि उनकी मम्मा मिट्टी से बाल धोती थी, और मेरे को भी मम्मा बोलती थी कि मिट्टी से बाल धो लूं, बड़े अच्छे हो जाते हैं। मतलब सच में मिट्टी? इतना टाइम नहीं है क्या मेरे को? मैं यूज करती हूँ वाओ का अमेज़न रेन फॉरेस्ट कलेक्शन वाइट क्ले शैम्पू। और पता है मैं इसके साथ एक हैक भी करती हूँ, मैं पहले अपने सारे बालों को अच्छे से धो लेती हूँ और उसके बाद अपनी स्कैल्प को अलग से धोती हूँ ताकि सारी गंदगी निकल जाए और मेरी जड़ें मजबूत हो जाए, तभी तो होते बाल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। पर तूने जो रंग बिरंगे अपने बाल करा रखे हैं उसकी तो वाट लगनी पक्की है ना। अरे कलर्ड बालों के लिए तो मैं भी यूज करती हूँ, वो अपना वाओ का नहीं है। वाओ अमेज़न रेन फॉरेस्ट कलेक्शन हेयर मास्क फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर। कलर्ड कराने के बाद जो हमारे बाल डैमेज नहीं हो जाते हैं, ये मास्क उन बालों को रिपेयर करता है। बस देख लिया, बस इतना सिंपल सा था मेरा हेयर केयर रूटीन। मैंने तो सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल भी करके देख लिए, बस कुछ ही दिनों की बात है। और नए लोग तो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े ही होंगे, तो इस बार हम टारगेट रखते हैं 25,000 सब्सक्राइबर्स का। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना, और कमेंट करके बताना कि आपको रिदम का ऑनेस्ट हेयर केयर रूटीन कैसा लगा। तो मिलता हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।